देखिए यूपी पी के प्री के एग्जाम में 150 क्वेश्चन जीके के आते हैं 150 क्वेश्चन लॉ के आते हैं तो हम अभी लॉ के क्वेश्चन जो आते हैं 150 उनको डिस्कस कर रहे हैं सो फ्रेंड्स इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल आई वुड लाइक टू रिकमेंड कि आप जो है इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यूनि प्रिपरेशन फॉर जुडिश्री एंड अदर लीगल एग्जाम्स एंड अगर एंड में आपको ये वीडियो अच्छा लगे इसको जरूर लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ एंड वाई सब्सक्राइबिंग डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोज़ तो चलिए बढ़ते हैं एग्ज़ाम पेपर की ओर देखिए कुछ इस तरीके से आता है एग्जाम पेपर तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर वन की ओर देखिए क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है डीम्ड डिग्री एम्प्लाइज वट इज़ डीम्ड डिग्री डीम्ड डिग्री इज इंक्लूडेड इन द डिग्री इन सेक्शन टू टू जहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है डिग्री ऑफ प्लेन दैट आर डीम्ड डिग्रीज ठीक है अब जब तक डिग्री रेडी नहीं हुई है सपोज कि जजमेंट दे दिया और डिग्री रेडी नहीं हुई है तब तक क्या करेंगे तब तक जो लास्ट पैरा जजमेंट है टिल डिक्री इज प्रिपेयर तो उसको हम डीम डिक्री मानते हैं इट इज़ नॉट अ फाइनल जजमेंट ऑफ द कोर्ट बिकॉज डिक्री कैन बी प्रिलिमिनरी एंड फाइनल अब मान लीजिए प्रिलिमिनरी डिक्री निकाली है और उसमें जजमेंट दिया है कोई ऑर्डर पास किया है तो, तो लास्ट पैरा होगा वो डीम डिक्री माना जाएगा तो ये फाइनल जजमेंट एंड ऑर्डर वो नहीं माना जाएगा फाइनल जजमेंट और ऑर्डर ऑफ फर्स्ट पैरा जजमेंट जो है वो डीम डिक्री नहीं होते डी इसका आंसर रहेगा ये टेक्निकल चीज़ें हैं कंसेप्चुअल चीज़ें हैं कहीं लिखी नहीं हुई हैं समझने की चीज़ें हैं और देखिए इस पेपर में क्या हुआ है ना कि 2012 के एग्जाम पेपर जितने भी क्वेश्चन ना वो मिक्सअप है अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं उसमें तो जैसे कि जोरिस के जोरिस के पंद्रह क्वेश्चन है फिर टीपीए के हैं तो अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग क्वेश्चन है फिफ्टीन फिफ्टीन इस सीक्वेंस में दिए हुए हैं लेकिन इस पेपर में क्या है कि सारे क्वेश्चन जो है ना वो मिक्सअप हैं और देखिए जैसे एक सीपीसी का था अभी उन्होंने डाल के यहाँ पर ये एविडेंस का क्वेश्चन दे दिया उसके बाद फिर सीपीसी आ गया फिर कॉन्स्टिट्यूशन आ गया इस तरीके से एग्जाम पेपर बनाया हुआ है ये विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू आंसर

स्टेट इज दिन ऑफ फैमिली एंड सिविल सोसाइटी इट इज द यूनिटी प्रिंसिपल फैमिली एंड पर्टिकुलर सिविल सोसाइटी तो फिलोसफी किसकी है ये है हीगल की जहाँ भी फैमिली के बारे में बात हो यूनिवर्सल फैमिली की बात हो तो हीगल है ए इसका आंसर रहेगा Next, seven, the Ihring. Ihring कौन सी थ्योरी की थी इंटरेस्ट थ्योरी ऑफ लीगल राइट डी इसका आंसर रहेगा एट विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट बैंथम एंड नेचुरल लॉ ऑस्टिन एंड पॉजिटिविज्म पाउंड सोशलॉजिकल स्कूल ऑफ जू तो ये मैच करने के स्कूल्स तो कौन सा ठीक है इसमें तो बैंथम का स्कूल कौन सा था बैंथम का था एनालिटिकल स्कूल ओके तो ये हो गया गलत ऑस्टिन एंड पॉजिटिविज्म ये बिल्कुल ठीक है रॉस्को पाउंड सोशलॉजिकल स्कूल ऑफ जू ये भी ठीक है हैंनरी मेन एंड फिलोसफिकल स्कूल

तो यूएनओ की नहीं है इसका आंसर क्या रहेगा डी नेक्स्ट ट्वेल्थ द पावर एंड फंक्शन ऑफ यूनाइटेड नेशन आर डिवाइडेड अमंग हाउ मेनी प्रिंसिपल ऑर्गन्स टोटल कितने प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं यूएनओ के आर सिक्स कई बार डिस्कस कर चुके हैं मेंशन किया गया है आर्टिकल सेवन में ट्वेंटी फिफ्टीन में भी पूछा गया था ये रिपीट क्वेश्चन है तो कौन कौन से हैं फर्स्ट है जनरल असेंबली सिक्योरिटी काउंसिल इकोसोक ट्रस्टीशिप काउंसिल फिर आईसीजे एंड सेक्रेटेरिएट ठीक है तो दे आर सिक्स प्रिंसिपल ऑर्गन्स नेक्स्ट थर्टीन द रियल पावर ऑफ एंडमेंट ऑफ द यू सेक्रेटरी जनरल लाइज विद द फाइव परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल डी इसका आंसर रहेगा नेक्स्ट है फोर्टीन हु वाज द इंडियन कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन होते शशि थरूर डी इसका आंसर रहेगा नेक्स्ट है फिफ्टीन इंटरनेशनल लॉ आल्सो डेवलप्ड थ्रू स्टेट प्रैक्टिस इट इज नोन एज इंटरनेशनल कस्टमरी लॉज सी इसका आंसर रहेगा नेक्स्ट 16 रूल ऑफ स्टेट सक्सेशन वाज फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड फ्रॉम रोमन लॉ बाय ग्रॉशियस दिस का आंसर रहेगा नेक्स्ट 17 टू प्रिजर्व वनस लाइफ इज जनरली स्पीकिंग अ ड्यूटी बट इट मे बी द हाईएस्ट ड्यूटी टू SACRIFICE इट दिस ऑब्जर्वेशन वाज मेड इन क्वीन वर्सेस डुटलैंड स्टीफंस अब टेन ऑन नेसेसिटी पर ये जो है केस था सेक्शन कौन सा 81 एंड ये किसने कहा था ये कहा था लॉर्ड कॉलरेज ने तो 20 का आंसर रहेगा ऐसे 18 भी चुनन फॉलोइंग इज नॉट एन इलस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल फोर्स ए स्पिट्स ओवर भी ये है रिमूव द व्हील ऑफ लेडी यस दिस इज आल्सो क्रिमिनल फोर्स ये इलस्ट्रेशन है एफ ऑफ सेक्शन 350 क्रिमिनल फोर्स का इलस्ट्रेशन है शेक्स हिज फिस्ट ये नहीं है दिस इज सेक्शन 351 असॉल्ट में है ये इलस्ट्रेशन ए

में 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 है 362, रेप 375 में है है 359 से और 361 तक 361 में है। ओके उटी ऑफ तो वुमन इज पनिशेबल अंडर सेक्शन थ्री फिफ्टी फोर डीज इसका आंसर रहेगा तो देखिए दो तो हजार बारह का पेपर है उस टाइम दो तो हजार तेरह की जो अमेंडमेंट थी वो नहीं आई थी फिफ्टी फोर ए बी सी डी और थ्री सेवेंटी सिक्स ए और डी तक अब तो जी तक आ गए हैं थ्री सिक्सटी थ्री क्या है पनिशमेंट फॉर द दोडेस्टी ऑफ इंसल्ट की है मोडेस्टी की नेक्स्ट ट्वेंटी इन नेचर लाइक लैंग्वेज इट वेरीज विद पीपल एंड एजेस बिल्कुल ठीक बात है ये किसने कहा था ये है वॉकजिस्ट की थ्योरी बीस का आंसर रहेगा इज नॉट ओनली डिस्कवर लॉ बट ऑल्सो दे मेड लॉ ये कहा था ब्लैक स्टोन ने ये भी ये रिपीट क्वेश्चन है ट्वेंटी पेपर में मिलेगा आपको फिर ट्वेंटी थ्री डीलिंग सोर्स ऑफ लॉ हु द फॉलोइंग वाज सेड दैट कोर्ट्स फ्यूल लाइफ इनटू डेड्स वर्ड ऑफ स्टैट्यूट इट वाज ग्रे ग्रे ने कहा था ये

स्टेटमेंट ऑफ द ग्राउंड ऑफ एन ऑर्डर ऑफ डिग्री सी इज दी सिक्स सेक्शन सी पी सी प्रोवाइड प्रोविजन फॉर द किसके लिए है रिविजन के लिए रेफरेंस से रिविजन है एक सौ तेरह एक सौ चौदह एंड एक सौ पंद्रह ठीक है सी इसका आंसर रहेगा नेक्स्ट ट्वेंटी सेवन नो राइट ऑफ एक्शन इज कन्फर्ड ऑन अ ट्रांसफर इन पोजेशन अंडर एन अनिस्टेड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल विथ सेक्शन ऑफ टीपी प्रिंसिपल तो सेक्शन कौन सा है ये ये है डॉक्टर ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस सेक्शन 53 ए में ठीक है 41 में क्या है ओब्सटेबल ऑन 35 इलेक्शन है ठीक है 53 क्या है फ्रॉडलैंड ट्रांसफर नेक्स्ट ट्वेंटी एट अमेडमेंट ऑफ टी पी ए इन ईर टू थाउजेंड टू अमेंडेड द प्रोविजन ऑफ सेक्शन वन जीरो सिक्स ये रिपीट क्वेश्चन है ट्वेंटी थर्टीन में देखिएगा मिल जाएगा फिर से रिपीट कर दिया मतलब ट्वेल्थ से थर्टीन ने पूछ लिया जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ कि प्रीवियस पेपर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है बिकॉज एक दो क्वेश्चन तो मतलब डिटो क्वेश्चन जो है जो करेंट पेपर में आए हैं वो उससे पहले वाले पेपर से ही आते ही आते अब डेढ़ सौ क्वेश्चन है कोई ना कोई एक दो क्वेश्चन तो उसमें से कहीं ना कहीं उठा ही लेंगे वो अब डेढ़ सौ डेढ़ सौ क्वेश्चन नहीं कौन बनाएगा

देखिए जो पावर जुडिशल रिव्यू है वो सुमोटो पावर नहीं है ठीक है ना अनटिल कोई इसका जो ग्रीवियंस लेके नहीं आता हाई कोर्ट के पास या सुप्रीम कोर्ट के पास तो सुप्रीम कोर्ट हाँ कोर्ट के पास पावर तो है बट वो एस ए ग्रीवियंस देखे नहीं मतलब कोई केस लेके जाएगा तभी तो वो देखेंगे अदरवाइज कोई भी जब डिसीजन लिया गया है एग्जीक्यूटिव के द्वारा तो उसको सुओ मोटो चैलेंज नहीं कर सकते तो इसका आंसर क्या रहना चाहिए नन ऑफ दी अब नन ऑफ दी कोर्ट्स प्लीज का आंसर रहेगा राज्यसभा बिल फॉर अ फोर्टीन डेज अगर फोर्टीन डेज में नहीं दिया तो इट इज डीम डेट वो पास हो गया राज्यसभा में और एक किया गया, किया गया? आर्टिकल वन जीरो में ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नेक्स्ट थर्टी टू रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन फेवर ऑफ एस सी एन एस टी इज गड बाई आर्टिकल फिफ्टीन का फोर ए इज द आंसर

फॉलोड बाय क्वार्टर सेंचुरी ऑफ इंडोनेशियन ऑक्यूपेशन ए इसका आंसर रहेगा ये दो हजार दो में आजाद हुआ चार सौ साल साढ़े चार सौ साल बाद 35, बाली बॉम्बिंग हुई थी तो उसमें दो सौ दो की जान चली गई थी और बहुत सारे इंजर्ड हुए थे कौन सा देश है बाली कहाँ पर है इंडोनेशिया में कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया ही जकारता नेक्स्ट थर्टी सिक्स द रूल इनशिएटेड बाई सेक्शन सिक्सटी फाइव ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज एप्लीकेबल टू एग्रीमेंट विच आर डिस्कवर्ड वाइड बाई दी मिस्टेक फेलर ऑफ कंसिडेशन इम्पॉसिबिलिटी ऑल ऑफ दी अब डी इज द आंसर सिक्सटी फाइव में क्या रेस्टिट्यूशन मिस्टेक ऑफ कंसिडेशन है इम्पॉसिबिलिटी तो उसको रेस्टिट्यूट करना पड़ेगा ओरिजिनल पोजिशन पर नेक्स्ट थर्टी सेवन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस द परफॉर्मेंस ऑफ इच डिपेंड्स अपन फ्यूचर इवेंट फॉल्स अंडर कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ए इज द आंसर कभी एक्सीडेंट होगा तो पैसे मिलेंगे डेथ होगी तो पैसे मिलेंगे कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है दिया गया थर्टी वन में कॉन्ट्रेट एम टी वन ट्वेंटी फोर कॉन्ट्रेक्ट ऑफ गारंटी वन ट्वेंटी सिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑल राइट एट विच ऑर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टेशन इज नॉट करेक्ट इट मस्ट बी गिवन अ डिजायर ऑफ द प्रोमिसर ये बिल्कुल ठीक है ट टू दी कंसिडरेशन जरूरी नहीं है किस no, कौन सा है? सुना है ना तो ये नोट करेक्ट हो गया डीज का आंसर रहेगा थर्टी नाइन इज नॉट एन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन तो ये मैंने जिससे बात की थी आर्टिकल सेवन में ऑर्गन के बारे में बात की गई है तो

नेक्स्ट है फोर्टी थ्री दिक्कस कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज हेल्ड इन दिसंबर टू थाउजेंड फाइव ऐट देखिए यारिक्स वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस से पूछ रहे हैं वर्ल्ड डब्लू टी कॉन्फ्रेंस दो हजार पांच में कब हुई थी बारह में पूछ रहे हैं ये चीज ये क्या तरीका है बताओ उस टाइम पर हांगकॉन्ग में हुई थी डब्ल्यू टी का हेड क्वार्टर कहाँ पर है जिनीवा में और ट्वेंटी ट्वेंटी टू की जो मीटिंग हुई है वहीं पर ही हुई है जिनीवा में ही हुई है ठीक है कभी क्वेश्चन आ जाए तो अब फोर्टी फोर एव वाज इंडियन एयरलाइन प्लेन ऑन इट्स फ्लाइट फ्रॉम काटमंडू टू डेली हाईजैक एंड टेकन टू कंदार बाई टेरिस्ट यार ये भी क्वेश्चन पूछा था उस टाइम पर इतने पुराने क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं नए क्वेश्चन नहीं मिले उनको इस टाइम पर बताओ देट वॉज इन डिसम्बर नाइनटीन नाइनटी नाइन बीस का आंसर था नेक्स्ट फोर्टी फाइव द यूरोपियन यूनियन नाव इंक्लूज टोटल नंबर ऑफ मेम्बर्स कितने हैं ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी फिफ्टीन में डिटो क्वेश्चन पूछा गया था वहां पर ऑप्शन था ट्वेंटी एट का देखिए पहले ट्वेंटी एट थे लेकिन जब ब्रिटेन एग्जिट हुआ वर्ड सुना है ना ब्रिक्सिट ये मैंने उस वीडियो में बताया है ब्रिटेन एग्जिट तो ब्रिटेन एग्जिट होने के बाद वापस से ट्वेंटी सेवन हो गए सी इसका आंसर रहेगा नेक्स्ट फोर्टी सिक्स मदीना डिक्लेरेशन ट्वेंटी ट्वेल्व इज रिलेटेड टू मरीन कोस्ट प्रोटेक्शन बीज दी आंसर नेक्स्ट फोर्टी

राइट टू एजुकेशन क्या है आर्टिकल ट्वेंटी वन एट्टी सिक्स अमेंडमेंट से अमेंड किया गया था एंड इन सेट किया गया था राइट टू एजुकेशन तो दिस इज अ फंडामेंटल राइट राइट टू प्रॉपर्टी क्या हैम कोर्ट फिर से ये जो है फंडामेंटल राइट right है आर्टिकल थर्टी टू में टू तो ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत दिस इज अ डी पी एस पी डी इसका आंसर रहेगा एंडिया का प्रोवाइड किया, किया गया है आर्टिकल फोर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में डी पी एस पी नेक्स्ट फोर्टी नाइन फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट इन डिसाइडिंग द क्वेश्चन एज टू द डिस्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट द प्रेजेंट शेल एक्ट अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ इलेक्शन कमीशन या फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो इलेक्शन कमीशन के जो ओपिनियन होगा उस पर एक्ट करेंगे ए इज द आंसर डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मैंबर है ना तो इलेक्शन कमीशन की बात जो है वो मानी जाएगी तो इलेक्शन कमीशन का ओपिनियन जो है वो उसको कंसिडर किया जाएगा ए इसका आंसर है

एच एल हार्ट डी इसका आंसर रहेगा नेक्स्ट फिफ्टी टू इवन अ स्टूडेंट मे बी ट्रीटेड एज एन एक्सपर्ट अंडर सेक्शन फोर्टी फाइव ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट वेड डाउन बाई सुप्रीम कोर्ट इन कानपुर यूनिवर्सिटी का केस ट्वेंटीन का देखिए रिपीट क्वेश्चन है सी इसका आंसर है नेक्स्ट फिफ्टी थ्री सेक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट भी इसका आंसर रहेगा नेक्स्ट फिफ्टी फोर बट इज द पोजिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैन इट इज बींग कॉज्ड बाई मिस्टेक ऑफ लॉ इट इज नॉट वायडेबल मिस्टेक ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज इंडोनेशिया जोरिस नॉन एग्जीक ट्वेंटी का पेपर देखिए वहां पर मैगज आई हुई थी ठीक है ना तो नॉट वायडेबल ये सेक्शन कौन सा है सेशन ट्वेंटी वन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वहाँ पर मैंशन किया गया देख लीजिए मिल जाएगा आपको नेक्स्ट फिफ्टी फाइव द रिपब्लिक पॉलिसी इज एन अनरूली हॉर्स ये कहा था लॉर्ड बोरो ने यह भी रिपीट क्वेश्चन यह भी किसी पेपर में मैंने देखा है ये कहीं ना कहीं रिपीट क्वेश्चन है नेक्स्ट फिफ्टी सिक्स अंडर सेक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन लिमिटेड इज नॉट एन एजेंट ऑफ देंट्रल ग आंसर नेक्स्ट फिफ्टी सेवन इनकेस जनरल ऑफर देर इज नो नीड टू कम्युनिकेट दी एक्सेप्टेंस इफ नॉट रिक्वाइड बास हैज बिन हेल्ड इन कार्लिल कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ए इज द आंसर जनरलोइंग सुप्रीम कोर्ट दट सेजर कोड वॉज एप्लीकेबल टू ऑल इरिस्पेक्टिव ऑफ देर रिलीजन दैट इज शाहबान बेगम केस मोहम्मद अहमद खान वासीबानो बेगम वी इज द आंसर

रिविजन पे पूछा गया था क्वेश्चन ट्वेंटी थर्टीन में देखिए वहां पर मिल जाएगा क्वेश्चन ट्वेंटी फिफ्टी में भी पूछा गया है अभी जैसे प्रोविजंस के अंदर से पूछ लिया अभी आ सेक्शन पूछ लिया नेक्स्ट सिक्सटी वन द जजेस ऑफ फैमिली कोर्ट कैन नॉट बी कंसिडर फॉर एलिवेशन एज हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ पर बोला था ये इन एस डी जोशी वर्सिज हाई कोर्ट ऑफ जुडिशियर एट बॉम्बे इज द आंसर बस ऐसा होना नहीं चाहिए

वेरी इजी क्वेश्चन ऑर्डर सेवन क्या है प्लेन्ट ऑर्डर सेवन रूल सिक्स क्या है बता दीजिए मान जाऊंगा आपको लिखी थे कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट सिक्सटी सिक्स इन यूमन ह्यूमन राइट काउंसिल इज अ सब्सिडरी ऑर्गन ऑफ जनरल असम्बली इज दी आंसर अब देखिए ऊपर पूछा गया था कौन सा स्पेशल ऑर्गन नहीं है वहाँ पर ह्यूमन राइट काउंसिल भी था यूमन ह्यूमन राइट देखिए आप पूछ लेना सब्सिडरी ऑर्गन है किसका है जनरल असेंबली का तो एक तो ये तो रूल आउट हो ही गया बचा गया था वहाँ पर बाकी तो वो लिखे ही हुए थे नेक्स्ट सिक्सटी सेवन इंटरनेशनल कोर्ट कंसिस्ट ऑफ एटीन जजेस ए इसका आंसर है नेक्स्ट सिक्सटी एट लॉ इज अनसर्टेन एंड सर्टेनिटी ऑफ लॉ इज अ लीगल मिथ ये किसने कहा है जैरमी फ्रेंक ने ए इज द आंसर नेक्स्ट सिक्सटी नाइन यू लेटेस्ट क्लाइमेट टॉक हेल्ड इन डर्बन साउथ अफ्रीका विच रोटोकॉलटी नाइनटी में तो अभी कोई रिसेंट अगर ऐसे कुछ आ रहा हो देख लीजिए अभी तो रेलिवेंट नहीं, तो नहीं है ये अभी तो रेलिवेंट नहीं है ये नेक्स्ट सेवेंटी विच वन ऑफ द फॉलोविंग इज नॉट दी रिक्विज ऑफ प्रशन एस डोरी डेथ अंडर सेक्शन हंड्रेडीन बी ऑफ एविडेंस एक्ट तो वाज सब्जेक्ट टू क्रोल्टी हरासमेंट यस ये है रिलेशनशिप ये नहीं सच क्रोयी हरासमेंट वाज कनेक्शन विद डिमांड ऑफ डॉरी यस इट वॉज डन विद इन सेवन ईयर ऑफ मैरिज यस तो बी इसका आंसर रहेगा ये सेम डिटो क्वेश्चन पूछा गया था डेली डी में भी 2019 के पेपर में देख लीजिए जा, मिल जाएगा वहां पर आपको नेक्स्ट सेवेंटी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल टू बी वेड एंड 134 नो पर्टिकुलर नंबर इज रिक्वायर्ड आंसर 133 क्या है अकम्पलिसन 123 थ्री सोलस पॉपली सुप्रीम लैक्स पेपर देखेंगे वहां मिल जाएगा आपको ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन पूछा हुआ है पूछा था वहां पर भी लॉ सेट बाय पॉलिटिकल सुपीरियर टू इन्फीरियर ये किसने कहा था ऑस्टिन ने आंसर नेक्स्ट सेवेंटी थ्री द प्रिंसिपल जूनलिस्ट ऑफ द फिलोसफिकल स्कूल वाज हीगल डी इज द आंसर नेक्स्ट सेवेंटी फोर विच वन ऑफ द फॉलोविंग इज नॉट अ काइंड ऑफ एग्रीकल्चरल लीज कौन सी नहीं है लीज फॉर कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो वेजिटेबल प्लांट ये सब है एग्रीकल्चरल लीज है ना गैदरिंग फ्रूट फ्रॉम ट्री ये एग्रीकल्चरल लीज नहीं है कमर्शियल लीज होती है डी इज द आंसर फ्रूट्स को जो है ना एग्रीकल्चर में नहीं लेते वैसे लेना चाहिए फल सब्जियां तो आती ही हैं 75. Every sale completed by agreement for the of property would not constitute mortgage by conditional sale. dekhiye ये statement hai ye This is a well-settled principle of law settled by the Supreme Court. कौन से केस में किया था? Chun Chun Ja versus Ibadat Ali. और फिर बहुत सारे केसेस हैं वहाँ पर ये टिट किया गया ये. ये था 1954 में. तो इसमें प्रॉपर्टी इस जो यहां पर डिस्कस किया गया था वो किया गया था मोर्डगेज के सेक्शन तो पर किया गया सेक्शन में तो इस वजह से सी मे बी दिस क्वेश्चन बट ये क्वेश्चन मैं कहूँगा गलत है नहीं पूछना चाहिए ऐसा क्वेश्चन नेक्स्ट द फॉलोइंग ऑथर सेट एज फादर ऑफ इंग्लिश नेमली दैट इज ऑस्टिन ए इज द आंसर ए से ऑस्टिन बी से वैंथम सी से सारमंड डी से रॉस्कोपाउंड यहाँ पे डी डुट कर देते ऑप्शन में ए बी सी डी हो जाता नेक्स्ट सेवेंटी सेवन रीजनेबल टाइम फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट ए इज द आंसर एंड दिस इज ऑल्सो रिपीट क्वेश्चन ट्वेंटी फिफ्टीन का एग्जाम पेपर देखिए मिल जाएगा आपको एंड ये कहाँ प्रोवाइड किया गया है ये प्रोवाइड किया गया है सेक्शन फोर्टी सिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में Next 78 Indian constitution is dedicated to the Constituent Assembly, Parliament, whole society, people of India. People of India, D is the answer. Next 79. Which constitutional amendment introduced the anti-defection provision of the constitution? The amendment amendment says provision anti-defection. That was 52nd Amendment. B is the answer.

तीनों पेपर में मैंने डिस्कस किया इसको, C, M, T, L, U, v, w. तो, है इसको सी एम टी एल यू तो सी सिक्स में है रेस्टेंट रेस्टेंट ऑफ ऑफ मैरिज में अनसर्टेन एग्रीमेंट दैट इज ऑफ बाई थर्टी इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कुछ अपना बना सकते हैं नेक्स्ट एटी टू ए प्रपोजेज बाई लेटर टू सेल अ हाउस टू बी एट अ सर्टेन प्राइज द कम्युनिकेशन और प्रपोजल इज कम्प्लीट वेन बी रिसीव दैटर ये भी रिपीट क्वेश्चन है ट्वेंटी एटीन का पेपर देखिए यूपी का वहीं मिल जाएगा आपको सेक्शन कौन सा है सेक्शन है फोर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो वहाँ पर मैंने डिस्कस किया था ये देखिए कम्युनिकेशन और प्रपोजल है कब कम्प्लीट होगा कम्युनिकेशन किस को दिया है एने दिया है बी को तो प्रपोजल कब कम्प्लीट होगा जब बी के नॉलेज में आ गया बी जब बी ने रिसीव कर लिया लेटर डी इसका आंसर है Next 83 A and B enter into a contract due to mistake. That particular debt is time barred. Contract is void. B is the answer because both parties as mistake regarding a matter of fact. Section a got 20 of Indian Contract Act. Next 84 A contract of telephone becomes complete at the place where acceptance is heard.

क्स्ट एटी फॉलोइंग इज नॉट असेंशियल फॉर कॉन्ट्रैक्ट कंसिलेशन होना चाहिए वेबल कंसिडेशन हो चाहिए लॉफलेशन होना चाहिए इन एडवोकेट भी चल जाएगा डी इज देशन टू बी एडवोकेट प्रिंसिपल ऑफ लॉ नेक्स्ट एटी में पूछा गया था एंड छत्तीसगढ़ के ट्वेंटी के पेपर में देख लिया वहां भी पूछा गया था तो बहुत ही रिपीट क्वेश्चन है कहीं ना कहीं से जो है पूछते ही रहते हैं इतने क्वेश्चन कौन बनाएगा हर साल डेढ़ सौ क्वेश्चन बनाना इट्स नॉट ईजी कहीं ना कहीं रिपीट करते हैं किसी ना किसी दूसरे स्टेट से ले लिए क्वेश्चन बीस का आंसर है वन ट्वेंटी फोर में क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंटेमिटी नेक्स्ट एटी एट द इंटरप्रिटेशन क्लॉज ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट हैज प्रोवाइडेड इन कितने में इंटरप्रिटेशन सेक्शन टू में बी इज द आंसर नेक्स्ट एटी नाइन एंड टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट इन इट से पब्लिक सर्विस एंड बी प्रोमिसन थाउजेंड्रीमेंट इज अनलॉफुल तो क्या हो जाएगा वॉय सी इज द आंसर सेक्शन कौन सा लगेगा ट्वेंटी थ्री अपोस्ट पब्लिक पॉलिसी next ninety one state the correct answer if object of an agreement is forbidden by law the agreement is word as well as illegal c is the answer session twenty three again next ninety two the word illegal is applicable to everything which is an offense provided by law financial ground for civil action all of the above d is the answer next ninety three वट इज नॉसरी टू कॉन्स्टिट्यूट एंड ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्सपेसी नॉट नेरी पूछा देखिए आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए हाईलाइट कर लीजिए जैसे कि मैं बार बोलता हूँ जहां पर नॉट हो या फिर करेक्ट पूछा करेक्ट पूछा है उनको जरूर आप जो है हाईलाइट कर लिया कीजिए बिकॉज आंसर गलत होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं तो टू मोर परसेंट होना चाहिए फाइव मोर परसेंट की जरूरत नहीं है अग्रीमेंट टू कॉज इलीगल एक्ट इलीगल मीन यस ठीक है इफ़ एक्ट इज नॉट क्राइम टू डू सम एक्ट समर्सन ऑफ एन एग्रीमेंट ये भी ठीक है आंसर क्या रहेगा इसका बी यहाँ पर फोर्थ पॉइंट थोड़ा कर दिया इधर कन्फ्यूज क्या है उन्होंने गलती लिख दिया इफ नो नॉट क्राइम बाय इलीगल मींस तो लिखा ही नहीं यहाँ पर लिखा हाँ लिखा हुआ है ना बट ए विच इज नॉट इलीगल बाय इलीगल मीस तो नॉट क्राइम बट डूइंग क्रिमिनल एक्टिविटी या कुछ ऐसा इसमें ऐड करते हैं यहाँ पर तब तो, तो ये स्टेटमेंट ठीक होती हाउ स्टेटमेंट्स लिखते हैं ये क्रिमिनल कॉन्स्टिप्य का प्रोविजन कहाँ पर आई में सेक्शन वन ए पनिशमेंट कितने में है वन बी में नेक्स्ट नाइनटी फोर ए नोइंगट हजबैंड मर्डर नोइंगली कंसील्स इन ऑर्डर टू स्क्रीन हिम फ्रॉम लीगल पनिशमेंट ए इज लाइवल फॉर

थ्री जीरो फोर बी ए थी आंसर 364 ए क्या है ये है किडनैपिंग फॉर रैनसम इस पे क्वेश्चन पूछा था 2013 में 363 ए क्या है दैट इज किडनैपिंग और मेमिंग फॉर बैगिंग 366 बी क्या है दैट इज इम्पोर्टेशन ऑफ गर्ल्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री ओके ट्रैफिकिंग जो बोलते हैं

next 105 the principle of proximity of crime under criminal law is irrelevant while deciding the liability for the offence of next 106 theft is an offence against a person immovable property or movable property movable property immovable property you okay, theft करोगे see is the answer next 107 a married man commits the offence of adultery if he has sexual intercourse with a unmarried woman Yafir married woman except his wife

मर्डर इसको पता ही इन ऑल प्रोबेबिलिटीज इट विल कॉज डेथ तो ये मर्डर है सेक्शन थ्री हंड्रेड फोर्थली यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा आईपीसी का नेक्स्ट हंड्रेड विथ सेक्शन ऑफ आईपीसी डील्स विद इंटॉक्सिकेशन नेक्स्ट हंड्रेड इलेवन वेन वाज डिक्लेन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट मेड इन जून इज दोलते हैं तो कोई को पूछ ले कब हुआ था तो 1992 में रियो डिक्लेरेशन में ठीक है रियो कहाँ पर है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आई एल ओ इनबर इलेवन रिलीज रिपोर्ट ऑन एम्प्लॉय आरियो इन अफगानिस्तान के बारे में था ये पर आज केन्ड्रेड थर्टीन कॉपन अ हुई थी? 2009 में टर्म ऑफेंस एन एस का आंसर रहेगा टू डब्ल्यू में क्या है टू में समन्स केस ओके नेक्स्ट वन पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री साइंड ऑन सी टी तो उस टाइम के रेलिवेंट क्वेश्चन होंगे आज के टाइमेंट आंसर था है इसका इंडोनेशिया

दैट इज़ क्वीन वर्सेज अब्दुल्ला ठीक है ना बाकी ऑप्शन है महबूब शाह किंग एम्पर कॉमन इंटेंशन सिमिलर इंटेंशन की डिफरेंस है वहाँ पर बताया गया था किंग एम्पर मर्डर का केस है ये सेक्शन ट्वेंटी सेवन में इंपॉर्टेंट है एम सी वर्गीस वर्सेज डी जी आई पोनन ये किस पर है ये प्री कम्युनिकेशन बिटवीन हजबेंड एंड वाइफ उस पर है ये सेक्शन वन ट्वेंटी टू पर ओके

फोर क्लोजर बिलोंग टू मोर्डेजर यस राइट टू रिडम्पन कैन बी एब्रेटेड नो इट कैनोट भी एब्रोगेटेडर कैन बी एब्रोगे आंसर रहेगा रिडम्शन कितने में है फोलोइंग इज नॉट एन असेंशियल एलिमेंट ऑफ गिफ्ट डो नॉट ऑन होना चाहिए सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए ट्रांसफर सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए ट्रांसफॉर कंसे जरूरत नहीं होती गिफ्ट कंसेशन क्यों आएगा डी इज दंसर कौन सा है गिफ्ट का टीपीए में वन ट्वेंटी टू नेक्स्ट वन ट्वेंटी टू फॉर द लीज ऑफ इमल प्रॉपर्टी द फॉर मोर देन वन ईयर और ईयर टू ईयर अटेस्टेशन ऑफ नोटरी इज सफिशियंटेशन नोटरी चल जाएगा नो no, रजिस्टर्ड होना चाहिए वो कैन ओनली मेड बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट ये लिखा हुआ है सेक्शन वन जीरो सेवन टीपीए में

74th Amendment, municipality, किसके लिए है पंचायत के लिए फोर्टी फोर्थ अमेन्डमेंट में जो है राइट टू प्रॉपर्टी को अलग कर दिया गया था नाइनटीन आर्टिकल से आर्टिकल नाइनटीन से एंड थ्री हंड्रेड ए में इसको इंसर्ट कर दिया गया था आगे पूछ लिया क्वेश्चन नंबर amended आर्टिकल थर्टी टू या थर्टी वन देखिए मैंने बताया

स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनलिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट नाइनटीन एटी फाइव कौन कर सकता है स्टेट का है तो डीज का आंसर रहेगा और सेंट्रल का है तो सेंट्रल कर सकती है ना Next, month 31. Under which article of UN Charter the Security Council has the power to use force against a state? That is Article 42. D is the answer. Next, month 32. The judgment of International Court of Justice is to be signed by the President and Registrar of the Court. D is the answer. Rahega. Next, month 33. Consider the following statement International law is not a law at all. दैट इज रॉन्ग इंटरनेशनल लॉ लॉ तो रहेगा ना इंटरनेशनल लॉ हैज नो जुडिशल सिस्टम टू एनफोर्स द लॉ बाय्लाइंग सैक्शन ठीक है तो वन इज फॉल्स वी इज द आंसर नेक्स्ट थर्टी फोर विच आर द फॉलोविंग इज नॉट अ केस रेडिंग टू डॉक्टर कौन सा नहीं है तो सज्जन सिंह है प्रकाशन है बंगाल इम्यूनिटी है लीवर से जब से नहीं है, सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट one thirty five, विच ऑफ़ द following school of legal thought had the view that law is found not made, it is self-existent. That is historical school. A is the answer. And this is again 2015. fifteen में पूछा गया था, repeat question है ये। Next one thirty six, in which द following किस Supreme Court overruled its own precedent for first time? It was बंगाल इम्युनिटी। ये भी रिपीट क्वेश्चन ट्वेंटी में देख लीजिए मिल जाएगा आपको तो कितने रिपीट क्वेश्चन आ रहे हैं देख लीजिए आप नेक्स्ट लॉ इज जजेस डिक्लेयर्स ये किसने कहा था ग्रे ने कहा था सी आंसर रहेगा नेक्स्ट वन थर्टी एट हू डिस्क्राइबूडेंस एज लॉयरस एक्स्ट्रो वर्जन ये कहा था जूलियस स्टोन ने ये भी रिपीट क्वेश्चन है नेक्स्ट वन थर्टी नाइन लॉ मीन्स एंटायर बॉडी ऑफ रूल इन स्टेट पर्टिकुलर लॉ

क्या रिलेवेंसी है कोई नहीं है आंसर था ढाका था इसका एस यू का फुल फॉर्म क्या है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ठीक है अभी ट्वेंटी ट्वेंटी टू की कहाँ पर हुई थी समरकंद यह है उज्बेकिस्तान में ठीक है ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री की कहाँ होनी है इंडिया में right, अभी शहर का नाम नहीं आया है पर इंडिया में होगी मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली में ही होगी नेक्स्ट वन फोर्टी सेवन बिच

परमिशन ऑफ दी कोर्ट वो कर सकते हैं तो आंसर क्या रहेगा इसका एडवोकेट जनरल है दूसरा ऑप्शन नहीं लिखा हुआ नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ़ डेट वेन इट वॉज लॉज एंडियट पर हमने यूपी जुडिशरी का ट्वेंटी ट्वेल्व का प्री का एग्जाम पेपर पूरा डिस्कस कर लिया है अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो कोई सजेशन हो कोई कमेंट्स हो कोई एडवाइस हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिख सकते हैं वी ऑलवेज अप्रिशिएट फॉर दैट एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ उनको बताएं कि उनको इस चैनल पर सारे प्रीवियस पेपर्स जो है डिस्कशन के साथ मिल जाएंगे विच आर वेरी बेनिफिशियल फॉर दैम इन द प्रिपरेशन फॉर जुडिशी एंड अदर लीगल एग्जाम्स एंड वाइ सब्सक्राइबिंग डोंट फॉर गेट टू प्रेस दी बेल आइकन सो दैट यू कैन गट दोटिफिकेशन ऑफ आर अपकमिंग वीडियोज सो फ्रेंड्स थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू